नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 15 के पास मॉर्निंग वॉक पर घूमने आए एक व्यक्ति से बदमाश मोबाइल लूटकर भाग निकले, जिस पर पुलिस समय न गंवाते हुए फौरन मौके पर पहुंची, बदमाश की घेराबंदी की और अपने आप को घिरा देख बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करता है। नोएडा में बदमाशों पर इन दिनों कहर बनकर टूट रही नोएडा पुलिस एक के बाद एक एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार में ताजा मामला नोएडा के फेज 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 15 का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि मॉर्निंग वॉक पर घूम रहे एक व्यक्ति से एक बदमाश मोबाइल लूटकर भागा है। पुलिस समय न गंवाते हुए फौरन पहुंची और घेराबंदी की, तभी बाइक सवार बदमाश अपने आप को घेरा देखकर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। थाना क्षेत्र फेज 1 में पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है, जिसका नाम जय किशन उर्फ रोहित है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पूर्व में यहाँ पर सेक्टर 8 में रह रहा था और वर्तमान में शुक्ला गली आज़ाद नगर दिल्ली में ये रह रहा है। आज सुबह के घटनाक्रम में साजिद नामक एक व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक पर निकला था, उसके साथ इसने मोबाइल स्नैचिंग की। साजिद द्वारा तत्काल कंट्रोल रूम पर पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा इसका पीछा किया गया और जब पुलिस से घिरा इसने स्वयं को देखा तो पुलिस पर फायरिंग की।